हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी DRDO की वैकेंसी आई है, सेल की वैकेंसी आई है, उसमें आपको वेल्डिंग ट्रेड से वैकेंसी है। मांझगांव डाक यार्ड का वैकेंसी आई है, उसमें भी वेल्डिंग से आपको सीट है। तो हम लोग वेल्डिंग से चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज में टोटल 3000 वेल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेल्डिंग के क्वेश्चन 3000 है, वह चैप्टर वाइज है। कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी 10 बने हुए हैं और भी मॉडल से प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं। वेल्डिंग सेट में हम लोग चैप्टर वाइज में फोर्ज वेल्डिंग का डिस्कशन कर चुके हैं, गैस वेल्डिंग में भी एक सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग गैस वेल्डिंग के सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक और बात है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर अपने दोस्तों के पास नहीं करते, तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान जो होता है वह 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, 2 में आपको है कि न्यूट्रल फ्लेम में गैस का पूर्ण दहन कहाँ होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम में मैं बता दूं आपको, 3 जगह होते हैं, इनर कोन, आउटर कोन, मिडिल कोन। तो आपको इनर कोन में पूर्ण दहन होता है, ठीक है, 2 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखिएगा तो किस फ्लेम में चिंगारी कम निकलता है। तो न्यूट्रल फ्लेम में ही चिंगारी कम निकलता है, अर्थात 3 का ए होगा। न्यूट्रल फ्लेम का रंग कैसा होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का रंग ब्लू होता है। ये सब बहुत बीबी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रल फ्लेम में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो मैं बता दूं, न्यूट्रल फ्लेम में O2 और C2H2 दोनों की मात्रा बराबर होते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा बराबर होता है। फ्लेम 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है, कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है, न्यूट्रल फ्लेम में दोनों की बराबर होते हैं। न्यूट्रल फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। इनर कोन का तापमान सबसे अधिक होता है। न्यूट्रल फ्लेम में सबसे अगर तापमान अधिक होता है तो वह होता है इनर कोन का, और इनर कोन का टेम्परेचर जो होता है 2760 से 3480 होता है, 2760 से 3480 होता है। उसके कार्बोराइजिंग फ्लेम किसका मिश्रण होता है। तो कार्बोराइजिंग में भी ऑक्सीजन और एसिटिलीन का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कार्बोराइजिंग फ्लेम किसका मिश्रण होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम भी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण, परंतु इसमें कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे 7 का आंसर क्या होगा, बी। कार्बोराइजिंग फ्लेम में किसकी मात्रा अधिक होती है। अभी हम बताए थे कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार्बोराइजिंग फ्लेम में C2H2 की मात्रा अधिक होने पर फ्लेम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फ्लेम की लंबाई बढ़ जाएगी। जब एसिटिलीन की मात्रा बढ़ेगा तो फ्लेम की लंबाई बढ़ जाएगी। कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है, 3100। हम लोग पढ़े थे न्यूट्रल फ्लेम का 3200, कार्बोराइजिंग फ्लेम का 3100 और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का 3300 होता है। याद रखिएगा, न्यूट्रल फ्लेम 3200, कार्बोराइजिंग फ्लेम 3100 और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम 3300। 10 का बी होगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का रंग वाइट होता है, 11 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड फेसिंग, प्लेट कटिंग दोनों में किया जाता है, 12 का सी होगा। 13 क्वेश्चन अगर देखिएगा तो 13 में कह रहा है कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग किसे वेल्ड करने में नहीं किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील करते हैं, एल्युमिनियम भी करते हैं, एलवाई स्टील भी करते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। द कार्बराइजिंग फ्लेम की वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो हार्ड जोर होता है, और जब हार्ड जोर होगा कमजोर होगा ये भी होता है, और जब हार्ड होगा वह भंगुर होगा, यानी कि इनमें से सही 14 का डी होगा। 15 क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किसका मिश्रण होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑक्सीजन और एसिटिलिन की मिश्रण होता है, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा निम्न में से किसकी वेल्डिंग नहीं की जाती है? तो माइल्ड स्टील की वेल्डिंग ऑक्सीडाइजिंग द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए देखते हैं 17। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है? 3300, पहले भी हम लोग बताए थे 3200 न्यूट्रल का, 3300 ऑक्सीडाइजिंग का और 3100 कार्बोराइजिंग का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किसकी मात्रा अधिक होती है? पहले ही बताए थे ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक किस फ्लेम का उपयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल फ्लेम का सबसे अधिक यूज किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम का यूज सबसे अधिक किया जाता है। अब उसके बाद क्वेश्चन है, सबसे अधिक कमजोर जोर बनाता है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाता है। सबसे कमजोर अगर जोर बनाता है तो ऑक्सीडाइजिंग बनाता है। एस्टेलाइट की वेल्डिंग किस फ्लेम के द्वारा किया जाता है? तो एस्टेलाइट की वेल्डिंग कार्बोराइजिंग फ्लेम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गैस वेल्डिंग में कितना मोटा मेटल काटा जा सकता है? तो गैस वेल्डिंग में 0.5 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर मोटी मेटल को काटा जाता है। प्री हीटिंग में प्रयुक्त ज्वाला का प्रयोग करते हैं, प्री हीटिंग में किस फ्लेम का यूज करते हैं? तो न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद गैस वेल्डिंग में प्री हीटिंग के लिए प्रयुक्त गैस होता है, तो एसिटिलिन भी यूज करते हैं, ऑक्सीजन भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन भी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछेगा तो एसिटिलिन होता है। गैस वेल्डिंग में कटिंग के लिए प्रयुक्त गैस कौन होता है? तो ऑक्सीजन के प्रेशर से ही कटिंग किया जाता है, न कि एसिटिलिन से। एसिटिलिन और ऑक्सीजन जो न्यूट्रल फ्लेम से करते हैं वह हीटिंग के लिए केवल करते हैं, बाकी ऑक्सीजन के प्रेशर से काटा जाता है। गैस वेल्डिंग में फ्लेम को जलाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो ऑक्सीजन ही गैस होता है। वेल्डिंग फ्लेम के वेग के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वेग के आधार पर फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेग के अनुसार वेल्डिंग फ्लेम का प्रकार नहीं है, तो सॉफ्ट फ्लेम होता है, हार्ड फ्लेम भी होता है, डेटोनेशन फ्लेम भी होता है, इनमें से कोई नहीं, 28 का डी होगा। 29, पानी के नीचे स्टील की कटिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस का और बी ऑक्सी कोल गैस का, सी ऑक्सी हाइड्रोजन गैस का, डी करते हैं, ए और बी दोनों। प्री हीटिंग किस ताप पर की जाती है? तो प्री हीटिंग लो क्रिटिकल टेम्परेचर पर किया जाता है, 30 का ए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए या आपको ऑप्शन हम गलत बता दिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यह हम लोग गैस वेल्डिंग का सेट नंबर 2 कर रहे थे डिस्कशन, सेट नंबर 2 हम लोग का डिस्कशन हो गया, सेट नंबर 3 नेक्स्ट डे करेंगे। मैं आपको बता दूँ, प्रतिदिन क्लास में एकक डालेंगे, दो दो नहीं, एक गैस वेल्डिंग का, एक फीटर टर्नर मशीनिस्ट का, एक इलेक्ट्रिशियन का और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, चार सेट आपको ऐसे डाला जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का न्यूमेरिकल का एक लाइव क्लास चलाया जाएगा और एक आपको फीटर का क्लास चलाया जाएगा। 5 से 6 क्लास प्रतिदिन आपको डाला जाएगा। आप अपने ट्रेड के अनुसार क्लास को देखें, वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें।
ओके, बाय बाय।